ऊपर चकनेट नहीं आएगा, इसका क्लिप प्लेट आएगा, इसके अंदर लॉक रहेगा, इसको थोड़ा दबाना है तब जाके ये खुलता है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ ये खोलने और ये मूछने का दिखाता हूँ, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐसा लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर उठा लो, ये ऐसा लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर, इसको प्रेस करना है ऐसा। ये पाइप को ऊपर की तरफ लेना है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है ऐसा, ठीक है। ये प्रेस होता है ऐसे, इधर सपड़ाना है, ठीक है। और ये छोटा वाला एक मैं बनाया था, एक क्लिप रिमूवर कहाँ है, ये जंग खा गया है, ये आ गया। ये इधर स्टक है, ये उड़ता है बाहर, ठीक है, ये आगे बाहर। ठीक है। और ये इसका जो ढकना है, इसका जो कैप है, ये इतना ही रहता है, इससे एक ओरिंग आता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेस करके अंदर बिठा के ये लॉक को प्रेस करना है, ठीक है। मैं ऑयल डाल के क्लीन करने के बाद मैं बिठाने का तरीका दिखा के देता हूँ। ये यमाहा फेसिनो गाड़ी है, और ये 120 ml आना है, और एक बात, ये पेंट का कैन है, ठीक है, इसमें डीजल भरा हूँ क्लीनिंग के लिए। आप लोगों को मालूम होना है कैसे भरना है इसमें, देखो पूरा कंप्लीट सील्ड है, फैक्ट्री सील्ड है, लेकिन इसके अंदर डीजल और पेट्रोल भर सकते हैं। आपको भी चाहिए जानना है, कमेंट करो नीचे, मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा हवा कंप्रेस होना है और रिलीज होना है, तो मतलब यह है ऑयल सील ठीक है। तो स्प्रिंग जाएगा अंदर, इसके पीछे ऑयल जाएगा, स्क्रू ड्राइवर। ओह शिट, ओके, बैठ गया क्लीन से, लीकेज नहीं आएगा, 120 ml, ठीक है। अभी दूसरे वाले को फिट करते हैं, ये गाड़ी को भेजते हैं। अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करो नीचे। और ये गाड़ी का मैं जो बोला था लास्ट वीडियो में, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के पैसे जमा किया हूँ 1000, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करो नीचे, अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।